उसकी ज्योति, फिरौन की ज्योति देखें उस तरफ सामने ये, और ये जिस छड़ी से उसको आई थिंक हवा वगैरह लगाते थे, लिखा हुआ है मिरवाहा, देखें फैन, देखें इसी तरह जो है तह दर तह ये जो है सारी ममीज, देखें ये तबूत, उसके अंदर तबूत, उसके अंदर तबूत। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस तरफ जो है म्यूजियम में क्या चीज़ मौजूद है। ओ ये देखें, पूरी जो है जो फिरौन की कब्र के अंदर से जो ख़जाना मिला है ना, उसके जो है सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं इसके अंदर। ये देखें उसकी ज्योति, फिरौन की ज्योति देखें उस तरफ सामने ये, अच्छा ओरिजिनल है ये, आप बाद की बनाई गई नहीं है। ये देखें उस ज़माने में फिरौन जो है किस किस्म की ज्योति पहनता था, एक ज्योति तो आई थिंक ख़राब हो चुकी है, दूसरी जो है देखें वैसे की वैसी मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे देखें ये जो है मुजस्मे जो अंदर मौजूद थे, उसके अलावा उसके जो है मैं आपको ताबूत दिखाता हूँ, ये देखें संदूक मौजूद थी, ये देखें उसके अंदर ख़जाना होगा ज़ाहिर बात है, अल्लाह वालम, और ये जिस छड़ी से उसको आई थिंक हवा वगैरह लगाते थे, लिखा हुआ है मिरवाहा, देखें फैन। ठीक है, ये जो है वो उसके जो है फिरौन इससे ये, अच्छा अपने ये ओरिजिनल हैं, ये बाद में ऐसा दिखाने समझाने के लिए नहीं बनाए गए, ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ये ओरिजिनल फिरौन के इस्तेमाल में हुआ करते थे। ये देखें इसकी जो ममीज़ है वो तो उस तरफ मतलब दूसरे बड़े म्यूज़ियम में है, लेकिन उसके बाकी जो है सारे जो तह दर तह ताबूत थे वो यहाँ पे हैं, ये देख रहे हैं। आई थिंक ये सबसे तह वाला वो होगा उस तरफ, एक सेकेंड, ये देखिए ये जो है फिरौन की कब्र के अंदर क्या चीज़ ख़जाना मौजूद था, उसकी जो है जो ताबूत जो हैं तह दर तह वो आप देख रहे हैं यहाँ पे जी। ये देखें और मैं आपको बताता हूँ, देखें इसी तरह जो है तह दर तह ये जो है सारी ममीज़, देखें ये ताबूत, उसके अंदर ताबूत, उसके अंदर ताबूत, फिर वो इसके अंदर, फिर ये उसके अंदर, इसी तरह जो है ये तह दर तह जो है सारे ताबूत हुआ करते थे, फिर उसके अंदर जो है एक ही लाश हुआ करती थी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि वादी अल मुलूक जो कि यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है, उसका जो है ये नक्शा यहाँ पे लगा हुआ है, सॉरी जो कब्र में रखने का है कोई दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये देखें पुराने ज़माने के मिस्री जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें ये जो है फिरौन का मतलब जो जो ताबूत था उसके जो नक्शा है वो भी फिरौन की शक्ल का ही बना हुआ है सारा। ठीक है, वहाँ आई थिंक वो उसकी बेगम है जो उस तरफ है, और ये जो है फिरौन का ख़ुद का जो ताबूत है ये सारा जो है इसके अंदर था। ठीक है, वो जो है उसकी बेगम का है, वो बेगम का जो लास्ट ताबूत वो है उसके अंदर, ये साथ में दो बच्चे भी हैं एक बड़ा छोटा, तो ये आप देख रहे हैं फिरौन की कब्र के अंदर जो है क्या चीज़ थी वो चीज़ देख रहे हैं। यहाँ पे उसका नाम भी लिखा होगा ओज़रिस, ओज़रिस एजिस व नफ्तिस, ये तीन बंदों की जो है एक ही कब्र में मेरे ख़्याल से इनको जो है चीज़ें मिली हैं। ठीक है, ये देखें जो असल मुमियाज़ हैं वो दूसरे म्यूज़ियम में हैं, उसकी वीडियोस आप अलग देखेंगे जी। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं जब उसकी 1891 में जो है फ्रेंच एक आलिम ने जो है इसकी क्या कहते हैं ममीज से जो है देखें सारे कपड़े हटा रहे हैं, जो कि आपने मेरी दूसरी वीडियोस में देखी होंगी, अभी तक जो है इस तरह के कपड़े जो ऊपर लिपटे हुए थे फनूद शुदा लाशें के ऊपर वो अभी तक वैसे ही वैसे पूरे के पूरे मौजूद हैं। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, ये पुरानी तारीख देख के शेयर करें, लाइक करें, और मज़ीद वीडियोस के लिए जो है पेज को फॉलो करें ज़ुबैर रियाज़ को, बहुत शुक्रिया। ये